हेयर सॉफ्टनर। साथियों, बाल तभी खूबसूरत हो सकते हैं मेरी समझ से जब वहां मुलायम हो, और खूबसूरत बालों के इस मापदंड को पूरा करने के लिए मैं आपका 2.5 रुपए से कम की लागत का नुस्खा लाया हूं, जो आप घर में तैयार कर सकते हैं और अपने बालों को मुलायम बना सकते हैं, या यूं कहें बालों को खूबसूरत बना सकते हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हेयर सॉफ्टनर की, घर में बनाने वाला वो नुस्खा जो आपके बालों को मुलायम करने में बहुत हद तक समर्थ है। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है साथियों, जो आपके बालों को मुलायम बना देगा, और जब बाल मुलायम होंगे तो जाहिर सी बात, बिना नरिश हुए बाल मुलायम नहीं हो सकते। यानी परोक्ष रूप से हम बात करें तो यह नुस्खा आपके बालों को नरिशमेंट देगा, जिससे आपके बाल मुलायम सॉफ्ट हो जाएं और उनकी खूबसूरती में निखार आए, और बालों की खूबसूरती में निखार आएगा तो आप में भी निखार आएगा। बहुत अद्भुत नुस्खा है साथियों, और बहुत आसान नुस्खा है। आमतौर पर मिडिल क्लास के लोग, हम लोग इस तरह के चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बाजार से। साबुन लाएं कि बालों को सॉफ्ट करने का अलग से कोई समस्या लाए, और बहुत से साथी होते हैं जो अंडे का सेवन नहीं करते, या जो अंडे की बदबू होती है, अंडा, क्योंकि एग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो लोग बालों में लगाते हैं बालों को सॉफ्ट करने के लिए, जो एग का वाइट होता है उसको लगाते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो जिसको अंडे से बहुत एलर्जी रहती है, उन्हें उकाई उल्टी आने लगती है उसकी महक से। तो आपको अंडे से एलर्जी हो ना हो, आप अंडा खाते हो ना खाते हो, लेकिन आप ये नुस्खा करिए और बहुत ही मज़े में, बहुत ही आराम में और मज़े में अपने बालों को मुलायम कीजिए। बताते हैं साथियों आपको बहुत बेहतरीन नुस्खा, जो आपके बालों को मुलायम कर देगा, सॉफ्ट कर देगा, बालों को चमका देगा, और यह 5 रुपए से कम में तैयार होने वाला नुस्खा है। आपको साथियों इस जादुई नुस्खे के लिए कुछ नहीं करना है। आपको 4 चम्मच फेनुग्रीक सीड यानी मेथी लेनी है। उस मेथी को, फेनुग्रीक सीड्स को आपको रात में सोक करके पानी में रख देना है, पानी में डाल के उसको रख देना है। सुबह आपको इस मेथी को कूट के उसका पेस्ट बना लेना है, क्रश करके पेस्ट बना लेना है। उस पेस्ट में आपको डाल देना है 3 से 4 चम्मच दही यानी योगर्ट। तो आपका एक सोल्यूशन तैयार हो जाएगा जिसमें आपकी मेथी है और आपका दही यानी योगर्ट है। इसको आपको एक थिक पेस्ट बना लेना है, और इस पेस्ट को आपको बालों में लगा के 20 मिनट छोड़ देना है। 20 मिनट छोड़ने के बाद आप नॉर्मल पानी से, एक बहुत हल्के कोई शैम्पू से बालों को धो सकते हैं या धो लें। फिर जो आपके बाल निकल के उसके बाद आएंगे, सामने आएंगे निकल के, आपको वो छवि दिखेगी, वो मुलायम और सॉफ्ट बालों की होगी। बहुत साथियों अद्भुत नुस्खा है, और देख लीजिए आप कि 2 से 2 रुपए की मेथी और 50 पैसे का दही, 2.5 रुपए का काम इसमें है। और आप देखिएगा ये किसी भी बाजार के हेयर सॉफ्टनर से ज्यादा अच्छा काम करेगा। और साथियों हम आपको यह भी बताते हैं क्यों काम करेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी विश्वास, एतबार नुस्खे पर हो, तभी काम करने में मजा आएगा, तभी यह बात हमें बताने में मजा आएगा और आपको बात सुनने में मजा आएगा। यह नुस्खा साथियों इसलिए काम करेगा क्योंकि फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी में होता है गैलेक्टिनॉन नाम का कंपाउंड। यह जो गैलेक्टिनॉन नाम का कंपाउंड है, यह आपके बालों को नरिश करने में बहुत मदद करेगा। और साथ में साथियों जो दूसरा इंग्रेडिएंट हम लोगों ने इस नुस्खे में यूज करा है, योगर्ट में साथियों अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड पाया जाता है, जो आपके बालों को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चर कंटेंट को और रिटेन करेगा।
और डैंड्रफ को ख़त्म करेगा। तो साथियों यह नुस्खा है, आप इसको करिएगा और हमें कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा कि इस नुस्खे से आपके बाल मुलायम हुए कि नहीं। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करूँगा आपकी बात का जवाब दे सकूँ। निवेदन करूँगा साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अपने चैनल को मैं हमेशा कहता हूँ, आपने सब्सक्राइब करा होगा, अन्य साथियों को सब्सक्राइब कराने को प्रेरित करिएगा शेयर करने के माध्यम से, और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।